Good morning, students. Welcome back to my new video. In today's video, we will discuss the question answers from chapter 9, the story of Robinson Crusoe. All of you, please watch the whole video because it will help you in learning the question answers. So, now let's begin our class. Now, students, moving to question answers. Comprehension A. Answer these questions in brief. So, the first question is who suggest the Crusoe leave home and go on board the ship? That means किसने सुझाता किया Crusoe को कि वो अपने घर को छोड़ के उस ship में travel करना start करे? So किसने force किया था उनके जो friend थे जो उनका school fellow था उन्होंने Crusoe को इंकरेज किया कि आप भी मेरे साथ शिप में ट्रेवल करो सो द राइट आंसर इज क्रूसो स्कूल फेलो सजेस्टेड टू गो विथ हिम ऑन ऑन द द द बोट बोट शिप। सेकेंड क्वेश्चन वॉट हैपन ऑन द वे टू लंडन सो जब वो लंडन जा रहे थे सो so उस जर्नी में क्या हुआ ऑन द वे टू लंडन अस्ट्रॉम अरोस Which destroyed the ship, Crusoe and other people on his ship escape with their lives. That means जब वो लंदन के लिए जाते हैं then जो समुद्र में एक तूफान आता है jiski वजह से जो उनकी शिप होती है वो destroyed होती है and किसी तरीके से क्रूसो ने एंड जो उनके साथ जो लोग ट्रैवल कर रहे थे उस शिप में किसी तरीके से अपनी जान को उन्होंने बचाया क्वेश्चन नंबर थर्ड हाउ डिड ही फाइनली मैनेज टू रीच लंडन देन फाइनली क्रूसो ने कैसे मैनेज किया कि वो लंडन पहुंचे क्रूजो फाइनली मैनेज टू गो ऑन फूड टू लंडन क्वेश्चन नंबर फोर हाउ मैनी ट्रिप्स डिड ही मेक टू द शिप सो यहाँ पे क्रूसो ने कितनी ट्रिप लगाई शिप से मीन्स कितनी बार वो शिप से ट्रेवल किए सो ही मेक टू ट्रिप्स टू द शिप दैट मीन्स जो क्रूसो थे उन्होंने दो ट्रिप लगाई थी फर्स्ट ट्रिप थी उनके घर से लंदन के लिए देन फ्रॉम लंदन टू अफ्रीका सो यहाँ पे टोटल टू ट्रिप्स है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ होम डिड क्रूसो ब्रिंग अशोर फॉर कंपनी क्रूसो ब्रॉड कैट्स फ्रॉम अशोर फॉर कंपनी सो so, क्रूसो किसको अपने साथ लेके आए कंपनी के लिए सो so, क्रूसो यहाँ पे दो कैट्स को अपने साथ लेके आते हैं कहाँ से लेके आते हैं जो शिप रहती है सी में जो फंस जाती है सी में वहां से वो लेके आते हैं दो कैट को सो क्वेश्चन नंबर सिक्स वॉट वॉज क्रूसो सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट अ पैरट वॉज क्रूसो सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट बी आंसर दीज क्वेश्चंस With reference to the context. Question number one. My father advised me against it, but little effort, what did the narrator want to do? So Yahapi narrator kawri, narrator is the Robinson. So what Robinson want to do means fu want to do? So the answer is the narrator wanted to become a sailor and go to sea. सो जो रॉबिन्सन है वो एक नाविक बनना चाहते थे एंड देन वो सी में जाना चाहते थे ट्रैवल करने के लिए सो क्वेश्चन नंबर बी वॉट डिड द फादर वॉन्ट द फादर वॉन्टेड क्रूसो टू बिकम अ लॉयर सो वो चाहते थे कि क्रूसो बड़ा होके एक लॉयर बने क्वेश्चन नंबर सी वॉट डिड द नरेटर अल्टीमेटली डू

Now, question number two. Then I began to look about to see if any of my companions had escaped, but I could see no sign of any of them. So, who is I here? I is Robinson Crusoe. Who were the companions? The master of a vessel and the crew were the companions. Companions means रॉबिन्सन जब ट्रैवल कर रहे थे अफ्रीका के लिए सो so उनके साथ और कौन कौन लोग ट्रैवल कर रहे थे सो so उनके यहाँ पे कम्पेनियन एक शिप है वेसल मीन्स और शिप एक बड़ी सी शिप है एंड देन उस शिप में उनके साथ जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं वो हैं नाउ सी वाई कुड द कंपेनियंस नॉट बी सीन द कंपेनियंस कुड नॉट बी सीन बिकॉज द शिप वॉज डिस्ट्रॉय क्रूजो मैनेज टू स्केप टू दिन लैंड and the night was falling. Then जब वो अफ्रीका के लिए ट्रैवल करते हैं क्रूसो सो अगेन एक समुद्री तूफान तो आता है जिसके वजह से उनकी जो शिप रहती है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है देन किसी तरीके से क्रूसो अपनी लाइफ को सेव करते हैं एंड वो एक सेफ मेन लैंड पे पहुँचते हैं एंड जो वो मेन लैंड क्या है? रहता है एक आइलैंड रहता है एंड देन क्रूसो जब देखते हैं कि पीछे देखते हैं कि मेरे साथ कोई कोई और भी बच्चा है कि नहीं किसी और ने भी अपनी लाइफ सेव की है कि नहीं देन वो नोटिस करते हैं कि क्रूसो सिर्फ अकेले ही ऐसे रहते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को सेव किया एंड वो किसी को भी अपने साथ नहीं देखते हैं सो so जो क्रूसो हैं यहाँ पे किसी कंपेनियन को नहीं देखते हैं एंड इसलिए भी वो नोटिस नहीं कर पाते बिकॉज वो नाइट का टाइम रहता है सो so ऑब्वियसली नाइट के टाइम में जब आप सी में देखोगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता जो क्लियरली विजिबल नहीं होता है सो so, यहाँ पे क्रूसो किसी को भी देख नहीं पाते हैं नाउ सी आंसर दीज क्वेश्चन हाउ डिड रॉबिन्सन क्रूसो लीव फॉर लंडन सी द क्वेश्चन इज आस्किंग रॉबिन्सन क्रूसो कैसे लंडन के लिए ट्रैवल करते हैं रॉबिन्सन क्रूसो लेफ्ट फॉर लंडन विथ हिस्स ओल्ड फ्रेंड इन हिज फादर शिप हु इंकरेज क्रूसो टू गो विध हिम सो यहाँ पे रॉबिन्सन को इंकरेज करते हैं उनके स्कूल फ्रेंड की मेरे फादर की ये शिप है आप भी मेरे शिप में आ जाओ ट्रेवल करने के लिए सो so, यहाँ पे रॉबिनसन क्रूसो के उनके फ्रेंड ने उनको इंक्रेज किया कि आप भी हम लोग के ट्रैवल का एक पार्ट बनो नाउ द क्वेश्चन नंबर टू होम डिट क्रूसो मेट इन लंडन

What happened when the storm arose? So the answer is when the storm arose, the ship was destroyed. Crusoe and the other people on ship escaped their lives. So Yahape. जब स्ट्रॉम आता है जब तूफान आता है देन क्या होता है सो so, जब तूफान आता है सो so उसकी वजह से जो शिप होती है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है एंड क्रूजो एंड उनके साथ जो ट्रैवल करते हैं पीपल वो किसी तरीके से अपनी जान बचाते हैं सो so, यहाँ पे ये उनके फर्स्ट ट्रैवल की बात हो रही है जब वो लंडन के लिए ट्रैवल करते हैं सो so वो उस इंसिडेंट की बात हो रही है नाउ क्वेश्चन नंबर फोर हाउ डिड द सेकेंड स्टॉम डिफर फ्राम द फर्स्ट वन सो यहाँ पे रॉबिसन ने दो स्टॉम देखा था मीन्स दो समुद्री तूफान देखा था फर्स्ट उन्होंने नोटिस किया था अपनी फर्स्ट शिप में जब वो लंडन के लिए ट्रैवल कर रहे थे एंड जो उनकी सेकेंड ट्रिप थी अफ्रीका के लिए जो वो बड़ी शिप में ट्रैवल कर रहे थे सो so, वो उनकी सेकेंड ट्रिप थी सो रॉबिन्सन यहाँ पे दो ट्रिप किए हैं फर्स्ट ट्रिप उनकी लंडन के लिए थी एंड जो सेकेंड ट्रिप थी वो लंडन से अफ्रीका के लिए थी सो द सेकेंड स्टॉम वॉज डिफरेंट फ्राम द फर्स्ट वन बिकॉज एक्सेप्ट क्रूसो नो वन हैड एक्सकेप दैट मीन्स जो दूसरा समुद्री तूफान जो आया था वो फर्स्ट वाले से इसलिए डिफरेंट था बिकॉज फर्स्ट तूफान में क्रूसो एंड उनके साथ जो लोग ट्रेवल कर रहे थे वो उन्होंने अपनी लाइफ को सेव किया था बट जब वो अपनी सेकेंड शिप में ट्रैवल करते हैं एंड देन जब जो समुद्री तूफान आता है जिसके वजह से यहाँ पे उनके साथ जो क्रूजों के साथ ट्रैवल करते हैं वो कोई भी नहीं बचते हैं सबकी लाइफ सेव नहीं हो पाती है बस उसमें से जो क्रूजो होते हैं रॉबिन्सन है वही बस उस शिप में बचते हैं मीन्स एक वही इंसान अपनी लाइफ को सेव कर पाते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव वॉट डिड ही सी वेन ही वेक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग ही सो सी वॉज काम एंड द शिप वॉज अबाउट अ माइल फ्राम द स्टो दैट मीन्स जब नेक्स्ट मॉर्निंग में रॉबिनसन उठते हैं सुबह मॉर्निंग में दैन वो क्या नोटिस करते हैं दैन वो नोटिस करते हैं कि जो सी रहती है वो बहुत काम हो जाती है एंड शिप वॉज़ अबाउट अ माइल फ्राम द स्टो दैट मीन्स जो शिप रहती है वो कुछ ही दूर पर रहती है सी में एंड जो सी रहता है वो इस टाइम एकदम काम हो जाता है बिकॉज नाइट में जो सी था वो बहुत वॉइलेंट था जो उसकी वेव थी जो टाइट हाँ थी वो बहुत हार्श थी सो बट मॉर्निंग में जब वो उठते हैं देन वो नोटिस करते हैं जो सी है वो बहुत काम है एंड जो शिप है वो कुछ ही दूर पे है सी के नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स हाउ डेड क्रूसो मैनेज टू रीच द आईलैंड सो so, यहाँ पे क्रूसो कैसे मैनेज करते हैं कि वो एक आइलैंड पे पहुँचे? क्रूसो गैदर्ड शॉर्ट पीसेस ऑफ वुड एंड मेड अ स्ट्रोंग राफ्ट विथ दिस ही स्टार्टेड फॉर द सो एंड विथ अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल ही सक्सीडेड टू रीच द आइलैंड सो यहाँ पे क्रूसो एक राफ्ट बनाते हैं जिसमें वो छोटे छोटे वुड्स को यूज करके एक राफ्ट बनाते हैं ताकि उस राफ्ट पे वो कुछ सामान कुछ प्रोविजंस रख के सी के किनारे ले जा सकें सो so, वो इजली उस राफ्ट में अपने सामान को रख के इजली मैनेज करते हैं एंड देन कुछ प्रॉब्लम के बाद वो सक्सीड हो जाते हैं एंड वो एक आइलैंड पे पहुंच जाते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन हाउ डिड ही मैनेज टू ब्रिंग प्रोविजंस फ्रॉम द शिप सो यहाँ पे क्रूसो रॉबिन्सन कैसे मैनेज करते हैं कि जो प्रोविजन्स हैं शिप में ले आने के लिए आफ्टर अ लॉन्ग सर्च ही फाउंड सी मैं चेस्ट एंड फिल्ड विद एंड फिल्ड देम विद प्रोविजन्स एंड पुट इट अपॉन द राफ्ट मेड बाई हिम इन दिस वे ही मैनेज टू ब्रिंग ऑल द थिंग्स फ्रॉम द शिप नाउ स्टूडेंट सी क्वेश्चन नंबर एट वाई डिड द शिप दिसअपियर ऑन द थर्टीन डे सो so, जो थर्टीन डे होता है उस दिन वो शिप सी से क्यों डिसअपियर हो जाती है मीन्स दिखाई क्यों नहीं देती है सो द आंसर इज़ द शिप डिसअपियर ऑन द थर्टीन डे बिकॉज ऑन द नाइट ऑफ ट्वेल्थ डे देयर वॉज अ वॉयेंट विंड एंड मॉर्निंग केम द शिप वॉज नाउ हेयर टू बी सीन सो द आंसर इज़ कि जब नेक्स्ट मॉर्निंग मीन्स थर्टीन रात को बहुत तेजी से एक तूफान आता है बहुत तेजी से एक हवा चलती है जिसके वजह से जो शिप है वो कहीं और चली जाती है फ्लो करते हुए सो नेक्स्ट मॉर्निंग में जब रॉबिन्सन उठते हैं देन वो देखते हैं कि शिप सी में नहीं दिखाई देती है क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन वाई डिड वा रॉबिन्सन क्रू सो ब्रीड गोड्स आंसर रॉबिन्सन क्रूसो ब्रीड गोड्स इन फ्लॉक्स इन ऑर्डर टू हैड अ स्टडीड सप्लाई ऑफ गोट्स फ्लैस सो यहाँ पे जो रॉबिन्सन है वो गोट को इसलिए अपने पास रखते हैं मीनस पालना स्टार्ट करते हैं सो दैट उनका जो सप्लाई है मीट का वो कंटिन्यूस होता रहे बिकॉज पहले वो हंट करते थे एंड देन उनको मीट मिलता था गोट का बट नाव जो रॉबिन्सन है उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं हम कुछ गोट्स को पालते हैं सो so दैट जो सप्लाई है मीट का वो कंटिन्यूस होता रहे क्वेश्चन नंबर टेन वाई डिड ही डू वॉट डिड ही डू विद द स्किन्स ऑफ द एनिमल्स ही शूट सो जो स्किन्स होते थे एनिमल्स के वो उनका क्या करते थे ही ड्राइड एंड मेड गार्मेंट्स विद द स्किन ऑफ द एनिमल्स ही शूट सो जो एनिमल्स को वो शूट करते थे उनके जो स्किन है उनको वो ड्राई करते थे सूखने के लिए रखते थे एंड देन उसके गारमेंट्स बनाते थे उनके कपड़े बनाते थे पहनने के लिए क्वेश्चन नंबर इलेवन वॉट मेड हिम डिसाइड टू स्टे ऑन द आईलैंड एंड नॉट टू ट्राई टू सेल अवे फ़ियर ऑफ बी लॉस्ट अगेन इन सी मेड हिम डिसाइड टू स्टे ऑन द आईलैंड एंड नॉट ट्राई टू सेल अवे इन सच एंड अन सेफ वेसल सो यहाँ पे वो आइलैंड पे रहने के लिए इसलिए डिसाइड करते हैं बिकॉज उन्हें डर लगता है कि वापस अगर वो सी में ट्रैवल करते हैं अपने बोट से उन्होंने एक लाइट बोट बनाया था जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं था ट्रेवल करने के लिए सी में बिकॉज सी में बहुत तेज सी वेव्स होती है, बहुत हैं बहुत ज़्यादा हार्स टाइट्स होते हैं सो अगर आपके पास कोई अच्छी शिप नहीं है सो आप एक अनसेफ फैसल से ट्रैवल नहीं कर सकते हैं एंड उनके माइंड में एक फियर था कि अगर मैं ट्रैवल करूंगा सी में सो पता नहीं मैं अपनी लाइफ को अब बचा पाऊंगा कि नहीं एंड देन मेरे पास जो मैंने शिप बनाई है वो भी सेफ़ नहीं है सो so, उनके माइंड में एक फ़ियर हो गया था डर हो गया था नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वॉट डू यू थिंक अबाउट क्रूसो नेचर from the manner in which he led his life after being stranded. so the answer is, i think crusoe has become something of hard worker, representing himself alone against the forces of nature and against his inner fear. he is brave man with great will power and understands the true meaning of survival. so, yahape, story me, abko robinson. क्रूसो क्या क्या नेचर समझ में आता है सी वो कैसे नेचर के हैं सो बाय द स्टोरी आप ये कह सकते हैं कि क्रूसो एक हार्ड वर्कर हैं एंड उन्होंने नेचर से लड़ा बिकॉज उन्होंने कितनी प्रॉब्लम्स फेस की वो दो बार शिप से ट्रैवल किए फर्स्ट ट्रैवलिंग में ही जब वो ट्रैवल कर रहे थे लंदन के लिए उन्होंने समुद्री तूफान देखा जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ को किसी तरीके से सेव किया देन वो लंदन पहुंचे लंदन पहुंच के वे अगेन शिप में ट्रैवल करते हैं अफ्रीका के लिए देन अगेन वो शिप डिस्ट्रॉयड हो जाती है एंड वो फिर से किसी तरीके से उस शिप से अपनी जान बचाते हैं एंड वो किसी तरीके से मैनेज करके एक पर आइलैंड पे पहुंचते हैं देन आइलैंड पे पहुंच के वहाँ कोई भी वो ऐसा आइलैंड रहता है वहाँ पे सिर्फ एनिमल्स रहते हैं वहाँ कोई भी ह्यूमंस नहीं रहते थे सो so वहाँ पे वो किसी तरीके से उन्होंने अपना टेंट बनाया देन वहाँ पे उन्होंने अपनी लाइफ को सर्वाइव करना स्टार्ट किया सो so ना ही उनके पास कोई वहाँ पर कोई चीज़ें थी खाने के लिए कुछ नहीं था ना ही उनके पास वहाँ कोई घर था सो so उन्होंने हर चीज़ अपने आप ही मैनेज किया सो so, आप इससे कह सकते हैं कि जो रॉबिन्सन से वो एक हार्ड वर्कर थे उन्होंने अपनी इनर फीलिंग्स से लड़ा एंड बहुत ब्रीफ मैन की तरह अपने विल पावर के साथ हर प्रॉब्लम को फेस किया एंड उन्होंने सीखा कि आपके पास अगर कोई ऑप सो रॉबिन्सन ने ये सीखा कि आपके पास कोई फैसिलिटी ना हो देन ऑल्सो यू कैन लर्न हाउ टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट सिचुएशन आपके पास कैसी भी सिचुएशन हो वेदर इट इज डिफिकल्ट और गुड आपको आना चाहिए कि हम कैसे सर्वाइव करें चाहे वो आपकी लाइफ का अच्छा फेज हो या खराब फेज हो सो रॉबिन्सन वॉज अ ब्रेफ मैन सो स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर योर होमवर्क फॉर टूडे इज टू राइट ऑल द क्वेश्चन आंसर विच वी हैव डिस्कस टूडे इन योर फेयर लिटरेचर कॉपी Thank you students.